नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। आज जम्मू के कचहरी चौक पे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं और कुछ युवा हैं, बैठे हैं, मांग कर रहे हैं नदी बचाओ। कहते हैं जल ही जीवन है और जो जल की आज क्या महत्व है और जल के बारे में जो वैज्ञानिक हैं या फिर जो दूरदर्शी लोग हैं वो कहते हैं कि जो अगला विश्वयुद्ध है वो जल के लिए ही होने वाला है, क्योंकि जल की जो समस्या है वो पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहा जाए तो बहुत ही धीरे 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 बढ़ती जा रही है। मैं मौजूद हूँ अभी जमुई में, तो जमुई में यहाँ पर अगर जमुई क्षेत्र की बात करें तो जमुई तीन तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और जमुई में बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं, लेकिन इस नदियों में कहिए तो बालू के उत्खनन को लेकर नदियों का दोहन हो रहा है और इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार को से गुहार लगा रहे हैं कि जो नदियाँ हमारे क्षेत्र में बह रही हैं उनका जिस तरह से दोहन हुआ है उसकी वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमादार सिंह। बैठे हैं यहाँ पर, जल की समस्या, नदी बचाओ कह रहे हैं आप लोग। लगभग पूरे जम्मू ज़िला में कभी सोनो, कभी झाझा, कभी जम्मू, लगातार हर जगह से ये आवाज़ उठ रही है कि नदी को बचाओ। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में जम्मू ज़िला बहुत पिछड़ा ज़िला है और यहाँ के सारे लोग खेती पर जीविका पाते हैं और जितनी भी नदियाँ हैं जम्मू ज़िले के अंतर्गत, नदी के तटवर्ती गांव, आप हम सारे लोग अनुभव करते रहे हैं कि सालों भर गर्मी के दिनों में भी फसलें लहलहाती रही हैं। अवैध उत्खनन का सवाल अब नहीं रहा, अब बालू का वैध उत्खनन या अवैध, क्योंकि सरकार भले वैध कहती हो लेकिन हो रहा है तो अवैध ही। और अभी ताज़ा उदाहरण तो आपने बिहटा में भी देखा। पर्यावरणविद जितने भी हिंदुस्तान में हैं लगातार चेतावनी दे रहे हैं वायुमंडल के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और प्रकृति ने जितने भी नैसर्गिक पदार्थ धरोहर के रूप में हमें सौंपा है वो उसका हमको सदुपयोग करने के लिए, उसको जीने भर कर लिए, लेकिन हम मनुष्य इतने ख़त्म ठहरे कि उसका दोहन और शोषण शुरू करना। अच्छा, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, जो नदियों का जो दोहन हो रहा है बिहार में? इसमें जिम्मेदार सरकार और समाज दोनों है, जनप्रतिनिधि भी हैं, हम और आप भी तो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ के तमाम जनता क्यों नहीं जुड़ जाती? उनकी रोजी अभी तो प्रत्यक्ष नुकसान कम दिखाई दे रहा है। अब जल संकट तो पैदा होना शुरू हो गया, बोरिंग फेल हो रहा है, चापाकल फेल हो गया है, आने वाले दिनों में गंभीर संकट होगा। न सिर्फ सिंचाई की समस्या खड़ी होगी बल्कि पेयजल संकट भी पैदा होगा। आप साहब, नदी मतलब क्या? नदी मतलब बालू सिर्फ नहीं, नदी में बालू है, पानी है, चट्टान है, तलछट है, वहाँ जैव विविधता है, प्रकृति, ये नदी की पारिस्थितिक तंत्र है अपना, सबको नष्ट किया जा रहा है। उसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा, उसका असर मनुष्य यहाँ के जीवन जीने वाले जो लोग हैं उस पर बुरी असर पड़ने वाला है। हम लोग बर्बाद हैं, वो बालू, जो बालू जिस तरह आदमी का फेफड़ा है वही बालू है, बालू से सांस लेती है नदी, आदमी सांस फेफड़ा से, फेफड़ा को निकाल दें आप मर जाएंगे। नदी तो मृत प्राय हो रहा है, जहाँ जहाँ नदियों से बालू को समाप्त किया गया, आप बता दें कि कोई नदी बची है? एक भी नदी नहीं बची है। तो सरकार की मंशा है कि जम्मू ज़िले की सारी नदियों को समाप्त कर देना, तो समाप्त करने का मतलब यहाँ के लोगों को समाप्त करना। अभी 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं पार्ट 2 में क्या सरकार ने घोषणा की थी। सरकार ने घोषणा की थी प्रत्येक खेत को पानी, लेकिन सरकार कर क्या रही है? प्रत्येक खेत को पानी तो दे नहीं पाई, और जिन खेतों में पानी था उस पानी को भी सुखा दिया गया नदियों को कावेद उत्खनन करके। यही तो सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही करना है कि अभी भी सरकार सोचे, अगर आपकी कमाई खत्म हो गई, आप क्यों नहीं चालू, शराब तो बिक ही रही है, शराब पीने से हम लोग मर ही रहे हैं, शराबबंदी बंद कर दो, तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाएगी। आप बेहतर है
बालू की खुदाई बंद करो और शराब चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है शराबबंदी की वजह से ही बालू का थुरन ज्यादा हो रहा है? नहीं, सरकार की सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या अपनी दलील दी है बिहार सरकार ने? यही तो दलील दिया है कि आय का स्रोत है, हम नियम और कानून जो प्रक्रिया है ये मानक है, उसके दायरे में हम काम करेंगे ताकि सरकार की आय का राजस्व प्राप्त हो सके, यही ना आपने दलील दिया? आप तो गलत कर रहे हैं, आप राजस्व तो ले ही रहे हैं और जो उसमें पदाधिकारी और नेता सारे लोग हैं, अलग राजस्व कोष आपने बना लिया है जरिया आमदनी का, और इसीलिए अवैध उत्खनन हो रहा है। जम्मू के पर्यावरणविद हैं नंदलाल जी, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नंदलाल जी, क्या लग रहा है ऐसे आंदोलन करने से कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला है नदियों को? सबसे पहले तो लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा धरोहर है नदी पहाड़ जंगल वो बचा रहे। जम्मू जिला में कोई उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ है केवल एक खेती, और खेती है नदी है तो खेती है, नदी नहीं है तो खेती नहीं है। तो हम लोगों का बस एक उद्देश्य है कि नदी को बचाओ, जल को बचाओ, अगर जल बचा तो खेती बचेगा, पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो हवा बचेगी, हवा होगा तो जान बचेगा, बस इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग अब चल पड़े हैं। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या लग रहा है कि सरकार के कानों में जू रेंगेगी? सरकार के कानों में जू रेंगे ना रेंगे, लेकिन हम लोगों का ये है कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर देती। तो सुना आपने, ये आंदोलन जारी रहेगी ऐसा कह रहे हैं यहाँ के जो कुछ युवक हैं और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पर्यावरणविद हैं, इन लोगों ने कहा है कि नदियों का जिस तरीके से दुहन हुआ है उस तरह से पूरे जम्मू ज़िले में जो पानी की समस्या है वो बेहद बढ़ गई है, और सरकार ने कहा था निश्चय 2 योजना के तहत कि हर खेत को पानी मिलेगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार इस कार्य को करने में काफ़ी विफल नजर आ रही है। हालांकि लोग आज एक दिवसीय हड़ताल पे हैं और आगे की भी योजना है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानेंगे तो फिर इन लोग ये जो आंदोलन है ये जारी रखेंगे और भी कोई इस आंदोलन को बड़ा रूप देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखिए न्यूज़ स्टेशन। धन्यवाद।